नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल जिस तरह से रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, आगजनी हुई, आज एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं पथराव की, आगजनी की, शिवपुर इलाके से। हावड़ा का ये इलाका जहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और हालात को काबू में करने के लिए आपको तस्वीरों में हम दिखाते हैं किस तरह से आंसू गैस के गोले भी पुलिस द्वारा यहां पर छोड़े गए। जो भीड़ है यहाँ पर वो पत्रकारों पर भी हमला करती हुई नजर आ रही है। हावड़ा हिंसा को लेकर अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हावड़ा में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, इनमें से कई गाड़ियां पुलिस की भी थी। इससे पहले कल शाम की बात करें तो रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा में आगजनी और पथराव हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की है, हालात की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हावड़ा के हिंसा प्रभावित इलाके में शिवपुर का दौरा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से हिंसा की NIA जांच की मांग की है। और हावड़ा में जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। दोनों के तरफ से ही वीडियो शेयर करके आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। आपको दिखाते हैं तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से वीडियो सामने रखा और TMC के नेता अभिषेक बैनर्जी ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि रामनवमी के जुलूस के दौरान बंदूक लहराई जा रही है। अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि ये बीजेपी का दंगाबाजी फॉर्मूला है, समुदायों के एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और हिंसा भड़काने के लिए हथियारों की आपूर्ति करना। बीजेपी ने भी अब एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि जुलूस पर पथराव किया गया। दो दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और दो दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके, मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल TV में नजर रखना। और कल क्या होता है, कल दंगे शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसका कहने पे हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों, इतने फेस्टिवल्स होता है देश में। ओनली टू सेव हर वोट बैंक She is doing this type of unethical, unhealthy job in West Bengal. बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिंचक रहा था, अभी जो कर रहा है आपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों पर जब हमले हुए तो पश्चिम बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है, पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रामनवमी को लेकर बिहार के सासाराम से भी हिंसा की खबरें आई हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से दो गुटों के बीच में जो यहाँ पर हिंसा हुई, घरों में आग लगाने की भी घटना यहाँ पर सामने आई है, पथराव हुआ। प्रशासन का कहना है फिलहाल हालात काबू में है,
रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच विवाद के कारण तनाव पैदा हुआ था और आज दोपहर तक पथराव भी शुरू हुआ और इस पथराव में पुलिस कर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। अरे अभी सर थे, जिलाधिकारी महोदय थे, एसपी साहब थे, दोनों पक्ष की ओर से कुछ तनाव है लेकिन सारा प्रशासन लगा हुआ है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और कुछ घर में थोड़ी सी लोग कुछ लगाया था आग वगैरह, वो बुझाया जा रहा है और दोनों पक्ष में थोड़ी सी नाराजगी है। हम लोग सबको स्थिति को नियंत्रण में किस बात की नाराजगी है सर? अब सुनने में ऐसा कुछ आया खास स्पष्ट नहीं है, कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी SDO साहब थे यहाँ पर, वो पूरी तरह हम तो बाद में आए, लेकिन अभी सब तरह शांति व्यवस्था है। हम लोग पूरा सभी प्रशासन यहाँ पर है, सारे पुलिस के जवान हैं, हम लोग स्थिति को देख रहे हैं। बढ़ते आगे, 13 दिनों से पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियाँ अलगाववादी अमृतपाल सिंह को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। अभियान तेज़ है लेकिन लगातार अमृतपाल जो है वो वीडियो सामने कर रहा है, जारी कर रहा है, चुनौती एक तरह से दे रहा है और किस तरह से वो लगातार चकमा दे रहा है पुलिस को, केंद्रीय एजेंसियां को दिखाते हैं सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में। बुलाने की अपील कर रहा है लेकिन अकाल तख्त की दिलचस्पी अमृतपाल के साथ दिखने में नहीं है। अकाल तख्त का कहना है वो अमृतपाल की मदद नहीं करने जा रहा। एक बात क्लियर है, उस दिन जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये बात आई थी कि वो अकाल तख्त साहब पे सरेंडर करें। सभी जथेबंदियों ने इस बात को डिनाई कर दिया था कि अकाल तख्त साहब पे सरेंडर नहीं करेंगे। वो जो मामला पुलिस के पास है उसके सामने सरेंडर करें। उन्होंने करना है नहीं करना है, कैसे करना है वो सोचेंगे या उनके साथी सोचेंगे। उधर पंजाब पुलिस को अमृतपाल बार बार छकाने में कामयाब हो रहा है। जिस इनोवा से अमृतपाल आया था उसके ड्राइवर जोगा सिंह को गुरुवार रात पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में जोगा सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। जोगा सिंह ने पूछताछ में बताया कि अमृतपाल जब होशियारपुर से भागा गाड़ी छोड़कर, तो उसने जोगा सिंह को कहा कि वो अपना फोन ऑन करके लुधियाना की तरफ भागे ताकि पंजाब पुलिस को लगे कि अमृतपाल भी जोगा सिंह के साथ में है और फोन को ट्रैक करके पंजाब पुलिस पहुंच भी गई जोगा सिंह के पास और जोगा सिंह को अरेस्ट भी कर लिया। पर अमृतपाल तो जोगा सिंह के साथ था ही नहीं, उसने पुलिस को चकमा देने के लिए जोगा सिंह से कहा कि वो फोन ऑन करके भागे, अमृतपाल तो किसी और दिशा में भागा। तो इस तरीके से लगातार अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा दे करके हर रोज हाथ से निकल रहा है। पंजाब पुलिस के हाथ में आ रही तो सिर्फ वो गाड़ियां आ रही हैं जिसका इस्तेमाल अमृतपाल लगातार भागने के लिए कर रहा है। इससे पहले अमृतपाल पंजाब पुलिस की सारी चौकसी के बाद भी राज्य से बाहर निकलता और लौटता रहा। वो 19 तारीख को कुरुक्षेत्र में दिखा, 20 को कुरुक्षेत्र के घर से निकलता दिखा, 21 मार्च को वो बिना पगड़ी के चश्मा लगाकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में घूमता नजर आया। इस दौरान उसने लगातार गाड़ियां बदली, हुलिया बदला, पंजाब पुलिस उसके छोड़े निशानों तक पहुंचती रही। ये खबर भी जल पड़ी कि वो सिख संगठनों की मदद से सरेंडर करेगा, लेकिन दो दिन से वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है बताता हुआ कि वो सरेंडर नहीं करने जा रहा। दरअसल अब अमृतपाल की कोशिश वही धार्मिक खेल खेलने की है जिसके जरिए उसने एक पहचान बना ली है। अमृतपाल धर्म की बात कर अकाल तख्त को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी अकाल तख्त को संतुष्ट करने के लिए गिरफ्तार 430 कैदियों में 348 रिहा कर दिए हैं। हालांकि अकाल तख्त इतने भर से संतुष्ट नहीं है। सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में जितने भी बेकसूर हैं वो उनको रिहा किया जाए। जो NSA में बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए जिनको पंजाब से बाहर भेज दिया गया, उनको पंजाब में वापस लाया जाए। अगर वो वापस नहीं आते तो उनका लीगल राइट है वकील को कंसल्ट करना, वो पंजाब गवर्नमेंट उस सरकार पर पहुंच करे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इजाजत दे ताकि हमारा जो लीगल पैनल है वो उनके साथ जाकर इंटरव्यू कर सके। इस बीच सवाल बचा हुआ है कि अमृतपाल कहाँ है और कौन उसे छुपा रहा है। अमृतसर से अपने सहयोगी ध्यानचंद के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट का झटका लगा है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आम आदमी पार्टी इसे इस तरह से पेश कर रही है जैसे डिग्री मांगने पर फाइन लगाई गई हो। केजरीवाल ने इसके बाद ट्वीट किया, आपको बताते हैं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि क्या देश को ये जानने का अधिकार भी नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया, क्यों और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ये क्या हो रहा है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो ये दावा हुआ है उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट की शरण ली, कहा कि उन्होंने 2016 में ही प्रधानमंत्री की डिग्री वेबसाइट पर डाल दी है। विश्वविद्यालय के पास लाखों छात्रों की डिग्री है और वो RTI कानून के तहत नहीं आता। यूनिवर्सिटी ने कहा कि केजरीवाल ने इसे राजनीतिक सनसनी पैदा करने की वजह से मुद्दा बनाया है, ये जानने के बावजूद कि डिग्री सार्वजनिक है केजरीवाल ने इसे कानूनी मुद्दा बनाया। हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट दिखा कि ये मांग शरारतपूर्ण है, इसलिए उसने जुर्माना लगाया। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जी पे कोर्ट ने फाइन लगाया है और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है ये कहीं ना कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनको उनके चेहरे पर दिख रहा है और उसी का नतीजा ये सब कुछ है। और नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर से राजनीति किस तरह से तेज हो गई है, भाई आपको वो दिखाते हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से नए संसद भवन का जो निर्माण है वो अंतिम चरण में पहुंचा है, तो पीएम मोदी भी अचानक वहां पर पहुंचे थे मुआयना करने के लिए। वहां पर उन्होंने कर्मचारियों से भी बात की थी। अंदर की तस्वीरें पहली बार सामने आई थी जब पीएम अंदर पहुंचे थे और उसमें देखा था कि नए भव्य संसद भवन की तैयारी किस तरह से हो रही है, इसका निर्माण किस तरह से हो रहा है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी इसमें दिखाया गया है। संभावना है कि संसद का अगला सत्र जो है वो नए भवन में ही हो, लेकिन कांग्रेस ने नए संसद भवन को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये पैसों की बर्बादी है, दिखावा है, जिसके बाद इस पर राजनीति तेज हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नए संसद भवन में भूमि पूजन समारोह का बहिष्कार कर चुकी है। नए संसद भवन में पीएम के दौरे को लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट करके उन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि निजी दिखावे का ये पहला प्रोजेक्ट है, हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत छोड़कर जाना चाहता है, पैसे की भारी बर्बादी है। वहीं राज्यवर्धन राठौड़ ने भी इसका जवाब दिया। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने जुलाई 2012 की एक सरकारी चिट्ठी को टैग करते हुए ट्वीट किया, नए पार्लियामेंट का प्रस्ताव 2012 में सोनिया जी के रिमोट कंट्रोल वाली UPA सरकार के समय स्वीकार हुआ। तब चर्चा थी इस प्रोजेक्ट के नाम पर 3,000 करोड़ वारे न्यारे होंगे। दशकों के कांग्रेसी शासन में कमीशन खोरी आम थी, तो क्या पता इसमें भी। आज कांग्रेस की छटपटाहट कहीं यही तो नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार आ गई और नए संसद भवन की अनुमानित लागत घटकर मात्र 971 करोड़ रह गई। आज देश नई संसद और सेंट्रल विस्ता को जनाकांक्षा का प्रतीक भाव रहा है, तो कांग्रेस बौखला गई है और साबित कर रही है कि उसे देशवासियों के हर गौरव, हर खुशी से दर्द होता है। छोटी बजट योजनाओं पर किस तरह से सरकार ने ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया है, 1 अप्रैल से क्या बदलेगा, अब आपको वो बताते हैं। 1 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.6% से बढ़कर 6.8% हो गई है। 2 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.8% से बढ़कर 6.9% हो गई है। 3 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.9% से बढ़कर 7% हो गई है। 5 साल के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर 7% से बढ़कर 7.5% हो गई है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज दर 7% से बढ़कर 7.7% हो गई है। बुजुर्गों की बचत योजनाओं पर ब्याज दर 8% से बढ़कर 8.2% हो गई है।